मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सतीश और आज की वीडियो में हम पावर पॉइंट की हेल्प से एक लोगो डिज़ाइन करने वाले हैं। लोगो की ये टेक्स्ट है CPF। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पावर पॉइंट ओपन कर लीजिए, ब्लैंक प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट कीजिए और जो टेक्स्ट फॉर्मेट दिख रहा है उसको सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर दीजिए। डिज़ाइन ऑप्शन पर आइए, फॉर्मेट बैकग्राउंड पर आइए और पिक्चर एंड टेक्सचर फिल कर लीजिए और यहाँ से फाइल ऑप्शन पर जाके इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके सिलेक्ट हो जाने के बाद व्यू ऑप्शन पर आइए और गाइडलाइंस को इनेबल कर लीजिए। गाइड्स लाइन को राइट क्लिक करके उसका कलर ब्लैक कर दीजिए। यह हो जाने के बाद इंसर्ट ऑप्शन पे आइए और शेप के ज़रिए डॉटेड शेप को सिलेक्ट कर लीजिए और शिफ्ट के साथ ड्रैग कीजिए और इसकी हाइट और विड्थ 12 सेंटीमीटर की कर दीजिए और इसे सिलेक्ट करके अलाइन कर लीजिए सेंटर और मिडिल। ये हो जाने के बाद पिक्चर को सिलेक्ट कीजिए। यह हो जाने के बाद शेप को सिलेक्ट कीजिए और एक छोटा सा यहाँ कॉर्नर पे एक पिंक कलर का बटन दिख रहा होगा, शिफ्ट के साथ होल्ड करते हुए माउस को बाहर कर्सर के बाहर की ओर ले जाइए तो कुछ इस तरह से ये शेप बन जाएगा। यह हो जाने के बाद गाइडलाइंस पर जाइए और कंट्रोल के साथ 1-1 सेंटीमीटर का गैप बना लीजिए कुछ इस तरह से। यह हो जाने के बाद इंसर्ट ऑप्शन पर आइए, शेप पे आइए और रेक्टेंगल शेप को सेलेक्ट करिए। उसे कुछ इस तरह से बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। यह हो जाने के बाद नीचे वाले शेप को सेलेक्ट कीजिए और इसके बाद शिफ्ट के साथ ऊपर वाले शेप को सेलेक्ट कीजिए। फॉर्मेट ऑप्शन पर आइए, मर्ज शेप ऑप्शन में सब्स्ट्रैक्शन का ऑप्शन मिलता है उसको क्लिक कर दीजिए तो कुछ इस टाइप का इमेज हो जाएगा। फिर से इंसर्ट कीजिए रेक्टेंगल को और इस बार रेक्टेंगल की साइज कुछ इस टाइप की होगी, सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और विड्थ 1 सेंटीमीटर। इसको कॉपी कीजिए और जस्ट उसके बाजू वाले सेल पे भी वैसे ही डाल दीजिए। इसी को कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए और रोटेट कर लीजिए और इसे ऊपर वाले सेल पर डाल दीजिए और इसकी हाइट 6 सेंटीमीटर और विड्थ 1 सेंटीमीटर होगी। यह हो जाने के बाद नीचे वाले शेप को सेलेक्ट कीजिए, इसके बाद इस शेप को सेलेक्ट कीजिए और मर्ज शेप ऑप्शन में जाके सब्स्ट्रैक्ट कर दीजिए। यह हो जाने के बाद इसको कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए और इस पर डाल दीजिए। यह हो जाने के बाद कंट्रोल के साथ ए प्रेस कीजिए, फॉर्मेट ऑप्शन पर आइए, मर्ज शेप पर आइए और यूनियन कर दीजिए। यूनियन हो जाने के बाद एक बार फिर कंट्रोल के साथ गाइडलाइंस को सिलेक्ट कीजिए और इसकी विड्थ 5 सेंटीमीटर कर दीजिए, 0.5 सेंटीमीटर कर दीजिए। रेक्टेंगल को फिर से सिलेक्ट कीजिए और विड्थ 5 सेंटीमीटर और हाइट कुछ इस टाइप से रखिए। मैं कलर चेंज करके बता दे रहा हूँ, कुछ इस टाइप से रखना है। ये हो जाने के बाद नीचे वाले शेप को सिलेक्ट कीजिए और फिर ऊपर वाले शेप को और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये हो जाने के बाद व्यू पे आइए और गाइड्स को हटा दीजिए। इसको सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट के साथ छोटा कर लीजिए
फॉर्मेट ऑप्शन पे आइए। सेव फिल को नो फिल कर दीजिए, सेव आउटलाइन को ब्लैक कर दीजिए और इसके विर्थ को 6 ppt या फिर उससे ज़्यादा आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं पर 6 ppt ये हो जाने के बाद आप इस पर टेक्सचर लगा सकते हैं। पिक्चर पे आप टेक्सचर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं कुछ इस टाइप का। ये हो जाने के बाद सेव इफेक्ट पे आइए, प्रीसेट पे आइए और इसको किनारे रखता हूँ सेव ताकि आपको दिख सके। ये कुछ इस टाइप से दिखेगा, इस पर कुछ इस टाइप से दिखेगा। ये प्रीसेट सेलेक्ट करते हैं, बैकग्राउंड चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यदि नीचे टेक्स्ट देना है तो वर्ड आर्ट का यूज करके टेक्स्ट दे सकते हैं। होम टैब पे आइए और अपर केस कर लीजिए, इस पर डबल क्लिक कीजिए, आउटलाइन ब्लैक इफेक्ट शैडो के साथ, या आप 3D देना चाहते हैं तो 3D दे सकते हैं। सेलेक्ट कीजिए और क्रॉपिंग कर लीजिए। ये हो जाने के बाद आप सिंपली आइए, क्रॉपिंग हो जाने के बाद सिंपली फॉर्मेट ऑप्शन पे आइए और अलाइन सेंटर और मिडल कर लीजिए। फाइल ऑप्शन पे जाइए, सेव एस में जाइए, ब्राउज कीजिए, CPF सेव एस टाइप में आप इसे PNG कर लीजिए और जस्ट दिस वन कर दीजिए। अब आप देखेंगे ये कुछ इस टाइप से दिखेगा।
इसके और वेरिएंट्स मैंने बना रखे थे, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। एक ये वेरिएंट भी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।